Hello friends, in today's lecture we will be seeing some important questions on classification non-MAT verbal test. We have already seen the part 1 and part 2 of this topic. Now it is a time for some important questions. So let us begin with the first MCQ. Students, let us look at the first MCQ. In this, if you look at option A, we are having two overlapping figures and there is some kind of an intersection. The same thing is happening in option B. We are having an intersection with some overlapping. If you look at option D and option E, still we are getting some kind of an overlapping with some intersections. अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे मुझे कोई भी इंटरसेक्शन बनते हुए नहीं दिखाई देता है या मुझे कोई भी ओवरलैपिंग बनते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई देता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स. इसमें एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उसमें एक डिविजन भी है और उसमें दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं जो डिवीजन के जस्ट दूसरे साइड्स पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये हुआ ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में भी सिमिलर केस है, जो दो शेडेड सर्कल्स है वो डिवीजन के जस्ट दोनों साइड्स पे मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है. सेम पैटर्न इज फॉर ऑप्शन सी एंड सेम पैटर्न इज फॉर ऑप्शन डी. बट स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑप्शन ई की बात करूँ, जो शेडेड सर्कल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो डिवीजन के ठीक एक ही साइड पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो इस वजह से मैं ये कहूँगा द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ई. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ई. और इसका रीजन मैं ये लिखूंगा कि टू शेडेड सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डिवीजन. Unlike other figures, दूसरे figures में A, B, C और D में अगर मैं बात कहूँ तो उसमें जो दो shaded circles मुझे दिखाई दे रहे हैं वो division के दूसरे side पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. It is unlike option E. So the answer to this question will be option E. अब चलिए देखते हैं next MCQ. इसमें दो flags के pattern बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो अगर मैं option A की बात करूँ, तो जो दो फ्लैग के पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड्स में फ्लैग के डायरेक्शन को बयां कर रहे हैं. अगर मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जो फ्लैग्स के डायरेक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. बट अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, जो डायरेक्शन है, जो दो फ्लैग्स के डायरेक्शन है वो एक ही साइड पर या एक ही डायरेक्शन में पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स. अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, तो उसमें एक सर्कल जो शेडेड है और उसमें एक तीन लाइंस मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. उसमें एक रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है जो एक प्लेन रेक्टेंगल है, विच इज अनशेडेड रेक्टेंगल. एंड अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, तो वो एक कम्प्लीटली शेडेड ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है. तो चलिए मैं पैटर्न की बात करूँ फर्स्ट. जब मैं प्लेन फिगर की बात करूँ, वो है अनशेडेड फिगर और उसके बाद है एक सॉलिड फिगर या कम्प्लीटली शेडेड फिगर. तो ये हुआ ऑप्शन ए. अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो उसमें एक सर्कल, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे दो शेडेड फिगर्स दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ तीन लाइंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऑप्शन डी में भी कुछ ऐसा ही बनते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक शेडेड फिगर विथ लाइन्स, वन प्लेन फिगर विच इज़ अनशेडेड एंड एक शेडेड फिगर बनते हुए दिखाई दे रहा है. एंड अगर मैं ऑप्शन ई की बात करूँ, तो यहाँ पे भी मुझे सेम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है. बट स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, ऑप्शन सी में मुझे दो ऐसे फिगर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो सॉलिड है या टोटली शेडेड है, जहाँ पे कोई भी लाइंस बनते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी.
Now let us look at the next MCQ. In this, I am having three triangles which are intertwined with each other. And if you look at the shaded figure, let me go and find the answer. Students, agar main option A ki baat karu, to waha pe jo shaded triangle hai, wo corner mein bante hue dikhai de raha hai. Same thing is for option B, option D and option E as well. But students, agar main option C ki baat karu, to waha pe jo shaded figure ya shaded triangle hai, wo ek intermediate triangle ka kaam karte hue dikhai de raha hai. इसका मतलब ये है कि जो शेडेड फिगर है वो दो ट्राइंगल्स को जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है. इट इज अनलाइक ऑप्शंस ए बी डी एंड ई. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. सो आई हैव रिटन द रीजन एज इंटरमीडिएट ट्राइंगल इज शेडेड अनलाइक other figures where the shaded triangle is on the outer side. Thank you for watching this video. Stay tuned to Informatica and do subscribe our channel.